सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने के बाइस मंडियों में अशिया खुरनोश की किल्लत, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस हवाले से जानेंगे ख्वाजा रेहान नसीम से। जी ख्वाजा रेहान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र सियालकोट के दाहली और हाजी रास्ते ताहाल बंद है। एक तरफ तो शहरियों को आमदरफ्त में शरीर मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ शहर खुदनोश भी मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सब्जी की बात करूँ तो सब्जी कीमतों में भी 50 से 100 रुपये किलो जो वो बढ़ चुकी हैं। टमाटर जो 200 रुपये किलो तक फरोख किया जा रहा था, आज उसकी कीमत 300 रुपये किलो हो चुकी है। प्याज, अदरक, लहसुन और दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी जो उनसे बढ़ चुकी हैं। चिकन की बात करूं तो चिकन भी जो उनसे ना वो मार्केट में पहले की निस्बत कम दिखाई दे रहा है, उसकी भी किल्लत हो चुकी है। और जो फ्रूट है उसकी सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जो शहरियों का मतालबा है कि जल्द से जल्द रास्ते खोले जाएँ ताकि उन्हें आमदरफ्त में भी आसानी पैदा हो सके और अशाया खुदनोश जो उनसे ना वो भी मंडियों में आए ताकि उनकी कीमतें जो उनसे ना वो कम हो सकें। जी पीटीआई एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से पेशावर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया, सब्जियां दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। इस हवाले से जानेंगे सलमान यूसुफ़ज़ई से। जी सलमान। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में जारी सियासी कशमकश के बायस पंजाब और मुल्क के दीगर शहरों से खैबर पख्तूनख्वा तरसील होने वाले सब्जी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त मेरे साथ पेशावर के एक सब्जी मंडी में एक डीलर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि रास्ते बंद किए गए हैं इनका जो असर है वो सब्जी पर कितना पड़ा है। महंगे तकरीबन ये टमाटर महंगे वो तकरीबन 250 रुपये किलो है। पेशावर का जो चीज़ें वो सस्ता है, जो चीज बाहर से आते हैं पंजाब से वो महंगा है। ये हुकूमत का गलती है, वो डरने वाले उधर बैठो तुम, ए रस्ते ये खोलो। गरीब लोग के जाते कोई मैया तो गए कहे वो आम खुजास पर नहीं देगा। इनका कहना है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस जो रास्ते बंद किए हैं इनका सबसे ज़्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के वो इलाके हैं जहाँ पर उन इलाकों से अशिया खुरदनोश, सब्ज़ी, फल, फ्रूट या दीगर चीज़ें तरसील की जाती है। तहम रास्ते की बंदिश की वजह से जो माल है वो कम पड़ गया है और उसकी जो ख़रीदारी है उसमें भी कमी आ गई है और उसकी जो कीमतें ज़्यादा होने से ना सिर्फ अवाम बल्कि डीलर भी परेशान है। जी